उसके बाद अगला जो फीचर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वो है डन बाय टॉप लेवल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्योंकि हम सब जानते हैं स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल्स नॉलेज ही होना ज़रूरी है, इसलिए ये काम जो है खाली टॉप लेवल ही करता है, मिडिल लेवल और लेवल लोअर का ये काम नहीं होता है स्ट्रेटेजी बनाने का। उसके बाद अगला जो फीचर है हमारा 9th फीचर वो है मीन्स एंड एंड बोथ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो मीन्स एंड एंड्स बोथ है, दोनों ही मीन्स भी और एंड भी है। अब यहाँ पर मीन्स का मतलब क्या है, एंड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की टेक्निक को अप्लाई करना तो यहाँ पर मीन्स कहलाया जाता है, और इस टेक्निक को अप्लाई करके जो भी हम रिजल्ट अचीव करेंगे उसको एंड्स कहा जाता है। समझ में आए, मीन्स का मतलब होता है जो भी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उसको अप्लाई करना, और जो भी आपने इस एंड का मतलब होता है जो भी आपने स्ट्रेटेजी अप्लाइड की है, इम्प्लीमेंट की, उस स्ट्रेटेजी से जो भी आपने रिजल्ट हासिल किए उसको यहाँ पर एंड कहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मीन्स एंड एंड बोथ है। अगर आप कोई अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। अगर अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई होगी तो आपको अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इसलिए मीन्स एंड एंड बोथ कहा जाता है। उसके बाद अगला जो फीचर है वो है डायरेक्शनल प्लानिंग। डायरेक्शनल प्लानिंग हमने अभी इसका मतलब भी देखा था, अभी इसकी जब मीनिंग पढ़ रहे थे उस दौरान। डायरेक्शनल प्लानिंग कहा जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। प्लानिंग्स नहीं होता खाली ये, प्लानिंग के अलावा भी इसमें और भी काम किए जाते हैं, जैसे जैसे कि हमारे यहाँ पर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ प्लान, 6 मंथ प्लान भी सेट किए जाते हैं कि हमें 1 महीने बाद क्या करना है, 2 महीने बाद क्या करना है, 6 महीने बाद क्या करना है। मतलब उन जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उन स्ट्रेटेजी के कोर्स ऑफ एक्शंस को भी यहाँ पर हम डिटरमाइन करके डिसाइड करके चलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। इसलिए इसको जो है डायरेक्शनल प्लानिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्लानिंग नहीं करते, प्लानिंग के अलावा भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे जो भी गोल्स टारगेट्स को अचीव करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शंस भी हम प्रिपेयर करके चलते हैं। अब वो गोल्स, ये जो भी हमारे कोर्स ऑफ एक्शन है वो 1 मंथ के हिसाब से भी हो सकता है, 3 मंथ के हिसाब से भी हो सकता है, 6 मंथ के हिसाब से भी हो सकता है।